अगर आप एक बार मेरे तरीके से समोसे और चटनी बनाकर खा लिए तो आप बाहर में समोसे खाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटलों और ठेलों पर जैसी मिलने वाली समोसा और चटनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई के जैसा खस्तेदार समोसा। तो समोसा के लिए यहाँ पर हम 300 ग्राम मैदा लिए हैं। मैदा में थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, इसे हाथों से ऐसे मसल लेंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे। मोइन के लिए 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे, इससे हमारा समोसा बहुत ही खस्ता बनेगा। इसे दोनों हाथों से ऐसे मसल मसल कर मिलाएंगे। तो यह अच्छे से मिल गया है। अब इसे हम हल्का गर्म पानी से गूंथ लेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ बारिश होने लगी है। तो देखिए मैदा गूंथ लिए हैं, अब इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब समोसा के लिए आलू मसाला तैयार करेंगे। तो इस कढ़ाही में डाल रहे हैं सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, तेजपत्ता और ये पचफोरन। देखिए पचफोरन में क्या क्या रहता है, जीरा, राई, ये मेथी, कलौंजी और ये सौंफ। तो फोरन चटक गए हैं, अब इसमें दरदरा कूटा हुआ लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च डालेंगे। इसे धीमी आंच में 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी फूला हुआ चना डालेंगे। इसे चला लेंगे। अब यहीं पर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर। अब इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे। तो आलू को हम इस तरह से फोड़ फोड़ कर डालेंगे। यहीं पर इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो आलू मसाला बनकर तैयार है। अब इसे हम चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। ऊपर से धनिया का पत्ता डालकर इसे मिला देंगे। अब समोसा के लिए छोटा छोटा लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा लोई रखेंगे। लोई में सूखी हुई मैदा लगा कर इसे बेलेंगे। इसे इस तरह से लंबा बेलेंगे। देखिए इसे इतना मोटा रखेंगे। अब इसके ऊपर दोनों तरफ सूखा हुआ मैदा छिड़क देंगे। इसे अब 2 भागों में काटेंगे। तो इसी तरह हम सभी को बेलकर काट लेंगे। तो अब हम समोसा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हल्का हल्का पानी लगाएंगे। अब इसे इस तरह से बीच में मोड़ेंगे और दबा देंगे। देखिए इस तरह। अब इसमें मसाले भरेंगे। फिर से
से उंगली में पानी लगाकर इसके किनारों में लगाएंगे। इसे इस तरह से मोड़ेंगे और दोनों तरफ अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरह से हम पहले सारे समोसे में मसाले भरकर रख लेंगे। थाली में सूखा मैदा छिड़क दिए हैं ताकि समोसा चिपके नहीं। तो सारे समोसे में मसाले भर लिए हैं, अब इसे हम तल लेंगे। समोसे को पूरा गरम गरम तेल में नहीं डालेंगे। इसे लो टू मीडियम आंच में ही तलेंगे। दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए समोसे अच्छे से पक गए हैं, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे यह समोसे बहुत ही खस्तेदार बन रहे हैं, दिख रहा है ना, यह बिल्कुल मार्केट के समोसे जैसे। तो इसी तरह हम सारे समोसे को तलकर निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे समोसे को हम तल लिए हैं, अब चटनी बनाएंगे। तो इस कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें पंचफोरन डालेंगे, ये तेजपत्ता डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी फूला हुआ चना डालेंगे। धीमी आंच में इसे हल्का भून लेंगे आधा मिनट तक। तो अब इसमें कटी हुई टमाटर डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाकर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट होने के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। टमाटर लगभग पक गए हैं, इसे इस तरह से दबा दबा कर मिलाएंगे। थोड़ा सा आलू का मसाला बचाकर रख लिए थे, इसे भी चटनी में डाल देंगे। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाकर एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डालकर इसे चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो अब हम प्लेट में गर्मा गर्म समोसे और चटनी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल होटलों और ठेलों पर जैसी मिलने वाली समोसा और चटनी बनकर तैयार है। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।